हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और काले जल्लाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक दिन भगवान घटिया घड़ी कर दे इस इंस्पेक्टर खड़क सिंह की, जिसने मेरी ड्यूटी इस बाजार में लगाई। राम राम संतरी जी। राम राम, मगर जरा इधर को आइयो। क्या कहा था तूने मुझे अभी? संतरी कहा था जी आपको, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मैं तुझे संतरी दिखाई देता हूँ, अभी बताता हूँ, चल थाने। अरे अरे, क्या करते हो हवलदार जी? तभी पकड़ो पकड़ो, चोर आए। चोर? उस बंदे को छोड़कर हवलदार गली की ओर दौड़ लिए। कहा चोर? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को, मेरी तो जान बची। गली के मोड़ पे थाल, उफ आए। ओ पुलिस, पुलिस की वर्दी देखकर घबरा रहा है, यही चोर है साला, और नहीं छोड़ूंगा साले। पहले चोरी की फिर पुलिस को टक्कर मारी, दो दो अपराध, क्या कह रहे हैं आप? मगर हवलदार ने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और दो पुलिसिये हाथ ठोक दिए। ता ता, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। फिर उसे पकड़कर थाने ले गए। चल अंदर। इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने दफ्तर में ही था। कमाल है, इतने लोग कहाँ गायब हो गए? तभी धार। ये क्या बदतमीजी है, कौन है ये आदमी? चोर है साहब, सेंटर मार्केट से पकड़ कर लाया हूँ साले को। खड़क सिंह ने ध्यान पूर्वक युवक की ओर देखा। फिर, अरे विकास तुम? जी हाँ, जरा समझाइए अपने इस हवालदार को। अबे चुप चुप, तुम रहो गधे कहीं के, जानते हो ये कौन है? चोर है, हवालात में बंद करके सड़ा जिस साले को। हवालदार बहादुर, होश में आओ, ये कमिश्नर साहब के सुपुत्र श्री विकास खन्ना है। अरे बाप रे, साहब के बेटे? हाँ, और मैं अभी डैडी को फोन करके तुम्हें डिसमिस कराता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो। नहीं साहब, और अरे अरे, छोड़ो मेरे पाँव, मुझे माफ कर दीजिए। हटो, तुमने दो थप्पड़ भी लगा दिए मुझे, तो मैं माफी नहीं मिलेगी। तो आप हमारे 10 थप्पड़, बल्कि 20 थप्पड़, 20 ठुड्डे लगा लीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको चोर समझकर बड़ी फूल की। लीजिए, हम खुद ही अपने आप को पीटे देते हैं। ता ता, अरे अरे। हवलदार बहादुर की इस हरकत पर विकास को हंसी आ गई और फिर उसने उसे माफ कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना करना। मेरे बाप की तौबा, माई बाप, अब तो मैं असली चोर को भी नहीं पकड़ूंगा कभी। विकास तो चला गया था, लेकिन इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार को डांट पिलाने की तैयारी कर ही रहा था कि सर, क्या बात है रामधन, अंदर आओ। दो आदमी और गायब हो गए सर, उनके रिश्तेदार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए हुए हैं। ओह माई गॉड, आखिर ये क्या हो रहा है? पिछले 10 दिन में 50 आदमी गायब हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी लोग बेरोजगार थे और काम की तलाश में घर से निकले थे, मगर वापस नहीं लौटे। कौन कर रहा है इनको गायब? कहाँ चले जाते हैं ये लोग? मैं बताऊं सर? क्या बताओगे? मेरा विचार है ये लोग अपने ससुराल चले जाते होंगे। बेघर आदमी को जब भूख सताती है तो वो ससुराल का ही रुख करता है। अरे ओ नमूने, कभी तो अकल की बात कर लिया कर। इन लोगों का अपहरण किया गया है, किसी खास मकसद के तहत कोई अपराधी इन लोगों को गायब करा रहा है, तो हम उस अपराधी को हवालात बंद करके सड़ा देंगे। बकवास बंद करो और जाकर अपना काम देखो। ठीक है साहब। 50 आदमियों का अपहरण, सबके सब काम की तलाश में घर से निकले थे, यानी कोई अपराधी बेरोजगार लोगों को गायब करा रहा है। मुझे इस केस पर काम करना होगा। शहर में घूमते हुए किसी बेरोजगार को ताड़ता हूँ और उसके पीछे लग जाता हूँ। घर आकर उन्होंने वर्दी उतारी और सिविल ड्रेस पहनी। क्यों जी, छैला बनकर कहाँ जा रहे हो? फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ, चलेगी? गुस्सा क्यों होते हो जी? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुझसे 1000 बार कहा कि बाहर जाते वक्त टोका मत कर, मगर तेरी बुद्धि में तो भैंस का गोबर भरा हुआ है, कोई बात समझती नहीं है। थानेदार की तरह हर वक्त सवाल झाड़ती रहती है। और बस, अब और कुछ कहा तो बेलन लाकर मुंह में ठूस दूंगी। इस बेवकूफ से पंगा लेना ठीक नहीं है, सचमुच बेलन ठूस देगी। और वह चुपचाप घर से निकल गए। कुछ देर बाजार में घूमने के बाद हवलदार बहादुर को एक बेरोजगार युवक दिखाई दे गया। मुझे कोई भी काम दे दो सेठ, मैं तुम्हारी दुकान में झाड़ू तक लगाने को तैयार हूँ। ये बंदा बेरोजगार है? अरे बाबा, काम नहीं है हमारे पास, जाओ कहीं और जाकर झाड़ू लगाओ। और हवलदार बहादुर युवक के पीछे चल दिए। इस पर नजर रखनी होगी, जब कोई इसका अपहरण करने आएगा तो पकड़ लूंगा साले को और हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद आगे जाके युवक के निकट एक कार रुकी। सुनो भाई। ओ, कार वाला उसे क्यों बुला रहा है? कार वाले ने युवक से कुछ बात की थी जो हवलदार सुन नहीं सके थे, लेकिन युवक को कार में बैठते देखकर वो चौंक पड़े थे। ओ, हो गया उसका अपहरण, कार रवाना हुई। ए, ठहरो, रुक जाओ।
तभी एक खाली टैक्सी गुजरी और हवलदार ने उसे रोका। उस कार के पीछे चलो। टैक्सी कार के पीछे रवाना हो गई। आप किसी का पीछा कर रहे हैं साहब? हाँ, हम सरकारी आदमी हैं, एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं। आगे जाने वाली गाड़ी शहर की विभिन्न सड़कों से गुजरती हुई एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जहां उच्च वर्ग के लोगों की कोठियां बनी हुई थी। फिर एक कोठी के सामने कार रुक गई। हवलदार ने अपनी टैक्सी कुछ दूरी पर रुकवा ली थी। दरबान ने फाटक खोला और कार भीतर चली गई। तो वह अपराधी इस कोठी में रहता है जो बेरोजगार लोगों का अपहरण करा रहा है। अब देखना यह है कि वो युवक बाहर आता है या नहीं। हवलदार बहादुर भी टैक्सी से उतरे। मेरा किराया तो दीजिए साहब। किराया? अब मैं पुलिस हवलदार हूँ, दोबारा किराया मांगो तो हवालात में बंद करके सुना दूंगा। उल्लू का पट्टा, कहकर वे आगे बढ़ गए। आधे घंटे तक हवलदार बहादुर उस कोठी के सामने टहलते रहे। वह युवक अभी तक बाहर नहीं आया, यानी उसका अपहरण हो चुका है। इधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने कुछ सहायकों के साथ मशवरा कर रहे थे। आप लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगार लोगों को कौन गायब करा रहा है? कुछ समझ नहीं आता सर। मेरा विचार है उनका किसी खास मकसद के लिए अपहरण किया जा रहा है। वह खास मकसद क्या हो सकता है? 50 आदमी गायब हो चुके हैं, उन्हें किसी एक मकान में तो रखा नहीं जा सकता। मुझे लगता है उन्हें शहर से बाहर कहीं भेजा जा रहा है। और ट्रिन ट्रिन, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम दिस साइड सर। तुम क्या बात है? बात ऐसी है सर कि सुनते ही आप खुशी से बावले हो जाएंगे और शट अप यू फूल, काम की बात करो। अरे बाप रे, ये तो बात सुनने से पहले ही बावला हो गया। काम की बात यह है सर कि मैंने उस अपराधी का पता लगा लिया है जो बेरोजगार लोगों का अपहरण करा रहा है। मेरे सामने एक युवक का अपहरण हुआ है और मैं बदमाशों के अड्डे के निकट से ही आपको फोन कर रहा हूँ। अब आप कहिए क्या कहते हैं। उस मूर्ख हवलदार बहादुर का फोन है, कह रहा है उसने अपहरणकर्ता का पता चला लिया है। उस मूर्ख की बातों में ना आए सर, वह पहले भी कई बार पुलिस की फजीहत करा चुका है, मगर उसकी मूर्खता के कारण कई बार हम बड़े अपराधियों को पकड़ने में भी सफल हुए हैं। हो सकता है इस बार भी सफलता मिल जाए। हेलो हवलदार बहादुर, कहां से बोल रहे हो तुम? पता बताओ, मैं पुलिस फोर्स लेकर आता हूं। कुछ देर बाद थाने से पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई निकली। बी 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 शोर मचाती हुई गाड़ियां जब उस क्षेत्र में पहुंची तो सभी कोठियों में हलचल मच गई। तुरंत ही हवलदार बहादुर सामने आ गए। रोको रोको, कहा हवलदार, कहां है बदमाशों का अड्डा? ये कोठी, मेरी आंखों के सामने बेरोजगार युवक का अपहरण करके यहां पर लाया गया है। सब लोग पोजीशन ले लें, मैं कोठी में जाता हूं, अगर 10 मिनट में वापस ना हो तो रेड कर दी जाए। ओके सर। खड़क सिंह ने कोठी का फाटक ढकेला, वह खुल गया। कोई पहरेदार नहीं है, बदमाशों के अड्डे तो ऐसे नहीं होते। और जब खड़क सिंह ने मुख्य द्वार की घंटी बजाई, यस, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ओ गॉड, ये तो सावित्री देवी है, मशहूर सोशल वर्कर। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे कष्ट किया आपने? जी वो बात यह है कि अभी कुछ देर पहले एक सज्जन अपनी कार में किसी युवक को बिठाकर इसी कोठी में लाए हैं। जी हाँ, लाए तो हैं, वह मेरे पति हैं, अपने मित्र के बेटे को अपने साथ लाए। वह लड़के अपने पिता से झगड़ा कर घर छोड़ आया था। मेरे पति को रास्ते में दिखाई दिया गया और वो उसे समझाने बुझाने के लिए यहाँ ले आए। आप भीतर आइए, वह दोनों अंदर ही हैं। बेड़ा गर्क हो जाए इस हवलदार के बच्चे का, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। इधर उधर के बहाने बनाकर खड़क सिंह ने अपने आने का मकसद छुपाया और फिर कोठी से बाहर निकल आया। आ गए सर, खड़क सिंह क्रोध में उबल रहा था। हवलदार ने जैसे ही सामने आकर दांत निकाले, उल्लू का पट्टा। सर शाह, जानते हो ये एक मशहूर सोशल वर्कर का मकान है और भाइयों के लोगों के मित्र का लड़का है जिसका कि तुमने पीछा किया था। अगर मैं पहले अकेले भीतर न जाता और रेड करा देता तो आज मेरी नौकरी चली जाती। इसका मतलब है हमसे आज फिर गलती हो गई, लेकिन अब आगे से तुम कोई गलती नहीं करोगे। अगर इस मामले में तुमने दोबारा टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कोई मामूली केस नहीं है, बेरोजगार मजदूरों का अपहरण कोई बड़ा अपराधी करा रहा है और तुम्हारे जैसा मूर्ख इस मामले में कुछ नहीं कर सकेगा। कहकर खड़क सिंह अपनी जीप में जा बैठा और पुलिस दल वापस रवाना हो गया। आज फिर अपनी इज्जत का जनाजा निकल गया, पब्लिक के सामने डांट दिया साले ने, अब सर ना होता तो टैटू दबा देता उसका। फिर एक ढाबे में चाय पीते हुए हवलदार पर अचानक उछल पड़े। खड़क सिंह ने कहा था कि बेरोजगार मजदूरों का अपहरण किया जा रहा है, अगर मैं मजदूर का रूप बनाकर शहर में घूमना शुरू कर दूं तो शायद कोई मेरा अपहरण करने की कोशिश करे। कुछ देर बाद घर पहुंचे। चंपकली, घर में जितने भी औजार है सब ले आ, और एक थैला भी लेती गई हो। क्यों? सवाल मत पूछ, बस जरूरत है मुझे औजारों की। नौकरी से निकाल दिए गए हो क्या? अरे यो काली जीभ वाली, अगर नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा तो तू खाएगी क्या बेवकूफ औरत? मुझे एक केस के सिलसिले में जासूसी करने के लिए मजदूर या मिस्त्री का रूप बनाना है और इसके लिए औजारों का थैला चाहिए। तुम्हारी जासूसी तो मैं अभी निकालती हूँ, मुझे बेवकूफ कहते हो? और ओए मार डाला। चंपा कली ने चंडी का रूप धारण कर लिया था। हाय मार डाला जालिम, तूने अमेरिका की तरह अचानक बमबारी क्यों शुरू कर दी? था बस कर,
हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे, अब कभी तुझे बेवकूफ नहीं कहूंगा मेरी माँ। हाय राम, क्या बकते हो, तौबा तौबा, जीप फिसल गई थी मेरी, अब तू गुस्सा थूक दे और औजार ला दे मुझे, अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर मजदूर गरु बनाए घर से बाहर निकली, टूटे दरवाजे खिड़कियों की मरम्मत करा लो। शाम तक वह इधर उधर घूमते रहे मगर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। कोई साला मेरा अपहरण करने नहीं आया, आज की मेहनत बेकार गई। तभी, अबे ओ मिस्त्री, बड़ा बदतमीज बंदा ये, क्या है, खिड़की ठीक करानी है, उधर से घूमकर अंदर आ जा। हवालात में बंद करके सड़ा देता साले अगर वर्दी में होता, बदतमीज कहीं का। आता हूँ भाई। मकान के भीतर पहुंचकर हवालदार बहादुर ने चिटकनी का पैच बिठाने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल किया। अबे ओए ये क्या किया, शीशा टूट गया आपका, इसको भी बदलवा लो, मुंह तोड़ दूंगा तेरा ठाक। ओ शीशे के पैसे निकाल वरना मुर्गा बना दूंगा। छोड़ दे, मैं पुलिस का आदमी हूं। अच्छा तो पुलिस वालों ने मजदूरी करनी भी शुरू कर दी है, झूठ बोलकर बच नहीं सकता तू। शीशे के पैसे निकाल वरना ये नोकदार नाक काट कर हाथ में रख दूंगा। अच्छा देता हूँ। मकान मालिक ने 30 रुपए वसूल करने के बाद हवलदार बहादुर को विदा किया। चल भाग, दोबारा इस इलाके में दिखाई दिया तो लात तोड़ दूंगा तेरी। हाय कमर तोड़ दी साले ने, ये रूप भी बहुत महंगा पड़ा, आंटी के 30 रुपए भी गए और धुलाई अलग से हुई, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कल फिर शहर का चक्कर लगाऊंगा। अगले दिन सुबह को वह ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ज्यादातर गरीब मजदूर रहते थे, काम की तलाश में ये लोग एक स्थान पर अपने औजार लिए बैठे रहते थे। किसी को पता ही नहीं कि हवलदार बहादुर इनके बीच बैठा है। दोपहर तक वहां भी कोई नहीं आया तो हवलदार उठकर एक ढाबे में जा बैठी। एक चाय और डबल रोटी के 2 पीस ले आ भाई। जब लड़का उनके सामने चाय रखने आया, ओ भाई इस इलाके में कोई काम वगैरह मिल सकता है क्या, मैं बड़ा अच्छा मिस्त्री हूँ। अच्छे मिस्त्री हो तो काम क्यों ढूंढ रहे हो। लड़का हंसता हुआ चला गया मगर एक गंजा व्यक्ति उनके पास आकर बैठ गया। ओए क्या बात है, तुम्हें काम चाहिए? हाँ चाहिए, तो मेरे साथ चलो, एक जगह मजदूरी की भर्ती हो रही है मगर शहर से बाहर भेजा जाएगा। शहर से बाहर, लगता है अपना काम बन गया है, ये गंजा बहुत चालू दिखाई देता है। काम के लिए शहर से बाहर तो क्या, हम तो चांद पर भी जाने के लिए तैयार हैं। टकलू जी, टकलू? ओ तुम मजाक कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर और काले जल्लाद के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।